ओडिशा के गांव नगलावंशी नहर के समीप एक युवक के गला काटने का मामला सामने आया है। परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें, पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ओछा सर्वेश नामक युवक जो जरसाना थाना निवासी है, वो कल अपनी कॉस्मेटिक दुकान पर गया हुआ था। जब बीती शाम वो अपनी दुकान बंद करके घर नहीं लौटा तो घर वालों ने खोजबीन शुरू कर दी, वहीं उसका पता नहीं चला। फिर सुबह सर्वेश की लाश थाना ओछा के गांव नगलावंशी के नहर के समीप मिली। वहीं गांव वालों ने उसकी सूचना थाना ओछा पुलिस को दी, जहां गांव वाला ने बताया कि लाश पड़ी हुई है। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष अनुरोध प्रताप सिंह शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं थाना ओछा अनुरोध प्रताप सिंह ने बताया कि हत्या का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही इस घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। कहाँ रहते हैं? हम सैदपुर चनारी में रहते हैं, थाना जसराना। ये बताओ, फिरोजाबाद, एक डेड बॉडी मिली है नहर पर। हाँ जी। वो आपके कौन लगते थे और कैसे, क्या आपको जानकारी हुई है? वो हमारे सगा चाचा का लड़का है सर। हाँ। और मैं रात से वो गायब है, शाम से। कहाँ इनकी दुकान थी? और इनकी दुकान मोकमपुर जो पड़ता है वहाँ पर विषाद खाने की दुकान थी। आपको सूचना कब मिली थी? और उसको हमको सूचना रात उसकी बहू ने फ़ोन किया था कि वो शाम से स्विच ऑफ है फ़ोन, उनका पता नहीं है। तो मैंने सोचा रात में कहाँ जाऊँ, फिर सवेरे में आया पुल पे, तो वहाँ देखा तो दुकान बंद थी। वहाँ और लोगों को पूछा, उन्होंने बताओ भाई इसकी दुकान बंद है, कल से कहाँ है। तो वहाँ और लोग कुछ आ गए थे, बोले उसको देख करके जो पड़ी थी नगलावंशी के नगलावंशी। आदमी, इसका नाम क्या है और कितनी उम्र है और कहाँ रहता है ये? सर्वेश कुमार नाम है। आपका नाम क्या है? सनाव विजय सिंह है। और ये ग्राम सैदपुर के साके है। साके हैं? हाँ जी। और सैदपुर जो थारा जसराना पड़ता है वहाँ के रहने वाले, यहाँ दुकान करते थे। दुकान वहाँ करते हैं? दुकान यहाँ करते थे, पुल पे जो मैनपुरी पड़ता है वहाँ से 3-4 किलोमीटर का फैसला है सर। अच्छा। हमारे गांव से और पुल सूरजपुर का पुल है, मोकमपुर का 4 किलोमीटर का फैसला है।